नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सिंह, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आऊँ, हाउ टू एक्सपोर्ट इजिप्ट फ्रॉम इंडिया, यानी हिंदुस्तान से हमें अगर कुछ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है इजिप्ट में कैसे कर सकते हैं, इजिप्ट की इकोनॉमी क्या है, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, पॉपुलेशन क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, टोटल वो कितना इंपोर्ट करता है और इंडिया में कितना एक्सपोर्ट करता है, तो वो उसके साथ में हमारे रिलेशन कैसे हैं, वो किस चीज़ के फेमस है, क्या पिरामिड के लिए फेमस है, कौन कौन से वो टॉप कंपिटिटर कंपनी कंट्रीज है जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, जो ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं इजिप्ट को, वो कौन कौन से टॉप प्रोडक्ट है जो कि हम एक्सपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा इजिप्ट को, इजिप्ट के सी पोर्ट कौन कौन से अच्छे वाले हैं और जो एयरपोर्ट है उनको भी टच करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है बेसिक इंफॉर्मेशन। तो बेसिक इंफॉर्मेशन में कहीं भी अगर हम किसी भी मार्केट का रिसर्च करते हैं तो मार्केट रिसर्च में सबसे पहले पॉइंट आता है बेसिक इंफॉर्मेशन। इकोनॉमी की अगर बात करें तो इकोनॉमी भी अच्छी खासी देखी गई है इजिप्ट की, दैट इज अराउंड 394 बिलियन US डॉलर, बिलियन की बात हो रही है, 394 बिलियन US डॉलर। पॉपुलेशन की अगर बात करें तो पॉपुलेशन वहां पर अच्छा है, अराउंड 10.15 करोड़, यानी 10 लाख से ऊपर वहां पर लोग रहते हैं, सिटीजन 10.15 करोड़। अगर इंडियंस की बात करें कि इंडियन हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन वहां पर कितने रह रहे हैं, तो इंडियंस वहां पे अराउंड 5000 इंडियंस आर लिविंग परमानेंटली इन इजिप्ट। अगर मैं बात करूं पर कैपिटा इनकम क्या आती है इजिप्ट की, तो पर कैपिटा इनकम इज 3561, यानी जितने भी इजिप्ट में टोटल पॉपुलेशन है, जितने भी सिटीजन है, अगर उनका एवरेज निकाला जाए तो 3561 US डॉलर पर ईयर उनका ऑन एन एवरेज इनकम आता है। अगर जीडीपी की बात करें, जीडीपी बाय डिफरेंट सेक्टर्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इजिप्ट की जीडीपी में, तो इजिप्ट की जीडीपी में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर वहां पर 11.7% का कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री वहां पे 34.3% का वहां पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर सर्विस इंडस्ट्री की बात करें तो सर्विस इंडस्ट्री भी वहां की कंट्रीब्यूशन यानी इजिप्ट की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है अराउंड 54%। अगर मैं बात करूं इजिप्ट किस चीज के लिए फेमस है, इजिप्ट इतना फेमस क्यों है, तो इजिप्ट अपने पिरामिड के लिए फेमस है, अपने लग्जरी होटल्स के लिए फेमस है, ओल्ड म्यूजियम्स के लिए फेमस है, तो वो सब के लिए वहां पर टूरिस्ट भी बहुत आते हैं, तो इसलिए वहां पर इंडियन प्रोडक्ट की भी डिमांड अच्छी होती है। अगर करेंसी की बात करें तो करेंसी वहां पर इजिप्टियन पाउंड है और वो इंडियन कितने रुपीज के इक्वल है, इजिप्टियन पाउंड इज इक्वल टू, जो यस्टरडे का हमने रेट देखा है, इजिप्टियन पाउंड इज इक्वल टू 4.77 INR, यानी अगर मुझे 1 इजिप्टियन पाउंड अगर लेना है तो 4.77 इंडियन रुपीस देना होगा। अगर मैं बात करूं हमारे बायलेटरल रिलेशन हमारे कितने अच्छे हैं उसके साथ में, तो जो बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था दैट इज इन 1978, वो अभी तक वैसे ही चलता आ रहा है, यानी हमारे साथ में उसके रिलेशन काफी अच्छे हैं। और इंडिया इज द 6th largest ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इजिप्ट, यानी हमारा अगर वो देखा जाए तो हम उसके 6th largest पार्टनर हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में। अगर लोकेशन की बात करें कि लोकेशन कहां आती है, जैसे कई बार कंफ्यूजन होता है कि इजिप्ट जो है वो एशियन कंट्री है कि अफ्रीकन कंट्री, तो मैं क्लियर कर दे रहा हूं फ्रेंड्स, तो ये अफ्रीकन कंट्री में आते, कुछ पार्ट उसका जरूर एशियन कंट्रीज में आते, लेकिन वो प्योरली अफ्रीकन कंट्री है। अगर मैं बात करूं उसकी लोकेशन की, जैसे उसके नीचे अगर आप बात करेंगे तो सूडान आता है, इधर लीबिया आता है, उधर सऊदी अरबिया आता है, टर्की आता है, इराक आता है, तो वो सब आप ध्यान में रखिए। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि इंडिया से यानी एशियन कंट्रीज से जैसे अगर शिप हमारा जाता है जो रास्ते में स्यूज कैनाल से होके जाता है, स्यूज कैनाल इजिप्ट में ही है, स्विफ्ट कैनाल जो आर्टिफिशियल स्यूज कैनाल बनाया गया था 1858 में, तो स्यूज कैनाल का भी आपने न्यूज भी सुना होगा कि स्यूज कैनाल में एक बड़ा सा कंटेनर मतलब सिप वहां पे फंस गया था, तो उसको बाद में निकाला, 5-6 दिन को लगा है निकालने में उसको। तो अगर कैपिटल की बात करें कि कैपिटल क्या आता है, इजिप्ट का कैपिटल है कारियो, तो कारियो इजिप्ट का कैपिटल है, आप वहां पे भी बात कर सकते हैं किसी से अगर आपको बात करनी। तो टॉप अगर प्रोडक्ट की बात करें, कौन कौन से टॉप ऐसे प्रोडक्ट है जो कि हम हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो उससे पहले हम बात कर रहे थे कि इंडिया से वो कितना इंपोर्ट करता है, टोटल इंपोर्ट वैल्यू है 1.28 बिलियन US डॉलर। इंडिया से जो भी वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है पर ईयर 1.28 बिलियन US डॉलर का वो इंडिया से इंपोर्ट कर रहा है। तो टॉप कौन कौन से प्रोडक्ट है जो कि हम एक्सपोर्ट करते हैं इजिप्ट को, तो सबसे पहले पायदान पे आता मीट एंड इडेबल मीट ऑफल्स, तो वहां पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम 498.37 मिलियन US डॉलर इंडिया से। जैसे अगर आपने देखा यूपी से, उत्तर प्रदेश से, कानपुर, वो भी एक मीट के लिए
पूरा हब है। तो उत्तर प्रदेश के लिए भी हमने एक अलग से वीडियो बना के रखा हुआ है, अगर वो आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाके आप उसको भी देख लीजिए, वो भी आपके काम आने वाला है। अगर ऑर्गेनिक केमिकल की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिकल गुजरात वगैरह में ऑर्गेनिक केमिकल का अच्छा प्रोडक्शन होता है। जैसे आप अगर आप देखेंगे लोशन हो गया, बॉडी लोशन हो गया, क्रीम हो गया, या फिर ये जो शैम्पू होते हैं, पेंट होते हैं, ये सब ऑर्गेनिक केमिकल, मतलब इसमें केमिकल ही है लेकिन वो बॉडी के लिए कोई हार्मफुल नहीं है, मतलब जो ह्यूमन है ह्यूमन के लिए कोई हार्मफुल नहीं है, इसलिए वो ऑर्गेनिक में ही काउंट होते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिकल उत्तर प्रदेश में भी अच्छा होता है और मैक्सिमम गुजरात में उसका अच्छा प्रोडक्शन होता है। तो गुजरात के अगर आप रहने वाले हैं तो ऑर्गेनिक केमिकल आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी इवन हम चाइना को भी अच्छा एक्सपोर्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिकल, जो कि गुजरात से उस गुजरात में उसका हब है। अगर आप गुजराती हैं या गुजरात के आसपास के रहने वाले हैं तो आपके लिए तो चांदी ही चांदी है, आप गुजरात से एक्सपोर्ट कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिकल। अगर मैं इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स की बात करूं तो दैट इज अराउंड 243.84 मिलियन US डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है टोटल इजिप्ट। अगर मैं बात करूं रॉ कॉटन की, जो कि महाराष्ट्र में ज्यादा होता है, गुजरात में भी ज्यादा होता है, तो गुजरात और महाराष्ट्र दो ऐसे सोर्सिंग डेस्टिनेशन है जहां से आप सोर्सिंग करके आप इंटरनेशनल मार्केट में जा सकते हैं कॉटन को लेकर। तो टोटल कॉटन कितना, रॉ कॉटन कितना इंपोर्ट कर रहा है इजिप्ट, दैट इज अराउंड 235.80 मिलियन US डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है टोटल इजिप्ट। अगर मैं बात करूं व्हीकल पार्ट्स एंड रेलवे पार्ट्स की, अगर हम बात करूं कितना इंपोर्ट कर रहा है, अराउंड 156.42 मिलियन US डॉलर का। जैसे व्हीकल में, व्हीकल पार्ट्स में अगर महिंद्रा है, टाटा मोटर है और मारुति है, ऐसी या फिर कुछ जैपनीज कंपनीज भी इंडिया में है जिन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा रखी है, छोटे छोटे जो पार्ट्स बनाती हैं, स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में, तो वहां से भी आप लेके इसको सोर्सिंग करके इंटरनेशनल मार्केट में आप जा सकते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं मशीनरी की बात करूं, मैकेनिकल मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर या फिर स्ट्रक्चर या फिर जो भी मैकेनिकल अप्लायंसेस रहते हैं, वो टोटल कितना इंपोर्ट करता है इजिप्ट, दैट इज अराउंड 148.9 मिलियन US डॉलर का पर ईयर वो इंपोर्ट करता है, 148.9 मिलियन US डॉलर का। अगर मैं सीरियल्स की बात करूं, जैसे जिसको दाल बोली जाती है, तो वहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जरूर होता है जो कि वहां की जो कंट्रीब्यूट कर रहा है उनकी जीडीपी में अराउंड 11.7%, लेकिन वहां पर दालें जो हैं बहुत कम होती, दालें लगभग ना के बराबर होती। तो इजिप्ट में आप राइस भी अच्छा एक्सपोर्ट कर सकते हैं और दालें भी आप अच्छा एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। यानी राइस का तो अगर आप रिसर्च करेंगे तो इंडिया तो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है ही है राइस का, लेकिन दाल में भी अगर देखेंगे तो दाल में भी हमारा अच्छा नाम है, सीरियल्स में भी इंडिया का अच्छा नाम है पूरे वर्ल्ड वाइड अगर आप वो डाटा उठा के बात करेंगे तो। तो दाल यहां से कितना एक्सपोर्ट होता है, यानी सीरियल्स वो कितना इंपोर्ट करता है, अराउंड 103.43 मिलियन US डॉलर, 103.43 मिलियन US डॉलर। जैसे उत्तर प्रदेश में अच्छी दालें होती हैं, पंजाब में होती है, गुजरात में होती है, महाराष्ट्र में होती है, तो ये चार, कर्नाटक में भी अच्छी दालें होती हैं, तो ये चार पांच स्टेट्स को आप सोर्सिंग कर सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाते हैं सीरियल्स, आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर मैं बात करूं प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की, तो जैसे मैंने पहले भी एक अपनी वीडियो में बताया था कि एक WO एक कंपनी है, डो केमिकल एक इंटरनेशनल एमएनसी कंपनी जिनका प्रेजेंस है मोर देन 150 कंट्रीज में, तो वो प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा आगे हैं, सबसे आगे हैं। तो उनके अलग अलग जगह पे प्लांट है, इंडिया में भी उसके प्लांट है, तो गुजरात से भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट। और भी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं जो कि प्लास्टिक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है या फिर प्लास्टिक का दाना बनाती है, रॉ प्लास्टिक पॉलीमर बनाते हैं, प्लास्टिक पॉलीमर या पॉलीमर वो उसके लिए भी हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, अगर वो आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाके आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आप गुजरात के रहने वाले हैं तो आपके लिए अच्छी बात है, आप इसको इंटरनेशनल मार्केट में लेके जा सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर मैं अदर केमिकल्स की बात करें, यानी अपार्ट फ्रॉम दी ऑर्गेनिक केमिकल, यानी ऑर्गेनिक केमिकल के अलावा और कौन कौन से केमिकल ऐसे हैं जो कि इजिप्ट इंपोर्ट करता है डिफरेंट उनकी सोर्सिंग डेस्टिनेशन से, तो इजिप्ट यहां पर इंपोर्ट करता है अदर केमिकल, दैट इज अराउंड 97.66 मिलियन US डॉलर का। अगर मैनमेड फिलामेंट फाइबर की बात करूं, जो कि हमारा एक पॉलिएस्टर यार्न के लिए भी हमने वीडियो बनाया था, अगर वो आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाके आप उसको भी देख लीजिए फ्रेंड्स। तो अगर वो बात करें जो मैनमेड, जैसे जो कॉटन रहता है, कोटेशन धागा जो बनाया जाता है, तो उसमें जो फिलामेंट्स बनता है जो मैनमेड हाथ से बनाया जाता है, तो वो इंपोर्ट करता है इजिप्ट अराउंड 67.55 मिलियन US डॉलर का। अगर आयरन एंड आयरन स्टील की बात करूं, तो आयरन एंड स्टील यहां से टोटल एक्सपोर्ट हो रहा है जो कि पूरे वर्ल्ड से वो इंपोर्ट करता है अराउंड
अराउंड 55.39 मिलियन US डॉलर का, जैसे हमारे यहाँ से भी टाटा स्टील हो गया, जिंदल स्टील हो गया, या फिर बुकारो स्टील, या फिर गवर्नमेंट के भी स्टील प्लांट्स हो गए, तो वो लोग भी अच्छा खासा एक्सपोर्ट करते हैं और वो इजिप्ट को भी टारगेट करते हैं। आप भी इजिप्ट को टारगेट कर सकते हैं अगर आपका प्रोडक्ट है स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट। अगर मैं टॉप कंपिटिटर की बात करूं, यानी वो कौन सी टॉप कंपिटिटर कंट्रीज है जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, तो इसकी आजू बाजू वाली ही कंट्रीज है जो कि एक्सपोर्ट कर रही है इजिप्ट को, तो जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इसको एक्सपोर्ट कर रहा है अराउंड 2.8 बिलियन US डॉलर का, सऊदी अरबिया उसको एक्सपोर्ट कर रहा है 1.7 बिलियन US डॉलर का, टर्की एक्सपोर्ट कर रहा है अराउंड 1.6 बिलियन US डॉलर का, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 1.47 बिलियन US डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है, अगर इटली की बात करें तो इटली 1.40 बिलियन US डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है, और सिक्स नंबर पे हम लोग आते हैं तो इंडिया कितना एक्सपोर्ट कर रहा है 1.28 बिलियन US डॉलर का इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है इजिप्ट को। अगर मैं सी पोर्ट की बात करूं तो वैसे तो वहां पर मोर देन 41 सी पोर्ट है, लेकिन जो मेन पोर्ट है अलेक्जेंड्रिया वहां पे एयरपोर्ट है जो कि 60 बर्थ हैंडलिंग कैपेसिटी उसमें है। अगर एयरपोर्ट की बात करें तो कारगियोप इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो वैसे भी छोटे छोटे एयरपोर्ट अगर लगाएं तो मोर देन 26 एयरपोर्ट उनके पास में है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर कीजिए, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहता है, इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहता है। हमेशा की तरह खुश रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।